नमस्कार, स्वागत है आपका वेब वार्ता में। आपके साथ मैं हूं प्रीति और हमारे साथ मौजूद हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णी जी। हम बात करेंगे मार्क एंड्रीसन द्वारा दिए गए बयान को लेकर। हाल ही में फेसबुक के बोर्ड मेंबर मार्क एंड्रीसन द्वारा भारत को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया गया और बयान में ये कहा गया है कि भारत अगर ब्रिटिश सरकार के अधीन ही होता तो अच्छा होता। ये बयान उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है? निश्चित ही ये बहुत ही निंदनीय बयान है, उनकी ऊंची मानसिकता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप एक संपन्न राष्ट्र में एक धनपति हो जाते हैं तो आप जब बयान देते हैं तो सोच समझकर बयान नहीं देते, उस राष्ट्र के लोगों का, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं करते। अगर आप एक सफल उद्योगपति हैं, मार्क एंड्रीसन दरअसल न केवल फेसबुक के एक वरिष्ठ सदस्य हैं बोर्ड के, बल्कि वो जो उनके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, उनके भी बहुत विश्वसनीय और करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ सिलिकॉन वैली में उनकी एक निवेशक के रूप में बड़ी ख्याति है। तो ऐसा ख्यातनाम व्यक्ति, ऐसा धनाढ्य व्यक्ति, ऐसा विचारवान व्यक्ति जब इस तरह के अविवेकशील बयानों से जुड़ता है तो निश्चित तौर पर बहुत दुख होता है, क्षोभ होता है। जिस दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हिंदुस्तान ने इतनी तगड़ी संघर्ष की लंबी लड़ाई लड़ी, जिस गुलामी को लेकर ब्रिटेन खुद अपने उस उपनिवेशवाद को बहुत अच्छा अध्याय नहीं मानता है, आज उसी ब्रिटिश संसद के सामने उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी है जिसने इस राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, हमारी आजादी की उस लड़ाई को इस तरह गाली देना, हमारे शहीदों को इस तरह अपमानित करना, निश्चित तौर पर फेसबुक के इन बोर्ड मेंबर महाशय की खराब मानसिकता और घमंड को दर्शाता है। इस तरह का बयान देने से उनको बचना चाहिए था। हालांकि उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन अपनी माफी के आगे जिस तरह का स्माइली उन्होंने लगाया है वो उस माफी को हमारे दिल से मिटने नहीं देता। जहां बात नेट न्यूट्रलिटी की हो रही थी, वहां पर भारत को गुलामी के दिनों की याद दिलाना क्या भारत के प्रति ईर्ष्या को नहीं दर्शाता? देखिए, भारत की ईर्ष्या से ज्यादा ये झुंझलाहट है उस फ्रेम बेसिक के असफल हो जाने की, जिसको लेकर फेसबुक बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार कर रहा था। उसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग खुद यहाँ पर हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने तमाम लोगों से बात की थी। अभी हाल ही में उनके जो प्रोडक्ट हेड है वो भी हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से फ्री बेसिक हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है, और उन्होंने करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए थे। एक आंकड़ा जो सामने आया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर 100 करोड़ के विज्ञापन हमने अखबारों में पूरे पूरे पन्ने के विज्ञापन लगातार देखे हैं, जब मार्क जुकरबर्ग आए थे तब भी, और अभी जब ट्राई में सुनवाई चल रही थी तब भी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्राई की जो सुनवाई चल रही थी उसके दौरान भी, ट्राई जब निर्णय लेने वाला था, जिस तरीके के ईमेल फेसबुक के उपयोगकर्ताओं से करवाए गए वो भी एक गंभीर मामला है, क्योंकि फेसबुक के उपयोगकर्ताओं ने बिना जाने कि वो किस बात का समर्थन कर रहे हैं उनकी ईमेल भेजी थी ट्राई को। ट्राई ने भी इसका संज्ञान लिया था और कहा था कि आपने लोगों को बिना बताए उनसे ईमेल करवाएं। तो एक आशंका जो शुरू से जताई जा रही थी कि फेसबुक निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण माध्यम है, प्रभावी माध्यम है अभिव्यक्ति का, और हिंदुस्तान के लोग जो बहुत कुछ कहना सुनना साझा करना चाहते हैं उन्होंने उसे हाथों हाथ अपनाया, अपनी बातें कहना, क्या खाते पहनते ओढ़ते हैं वो सब साझा करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक खतरा ये था कि उस पर लोगों ने विचारों की अभिव्यक्ति भी की, ये भी कहा गया कि कॉर्पोरेट मीडिया के गठजोड़ के खिलाफ ये एक सशक्त मंच है, लेकिन दरअसल फेसबुक खुद एक कॉर्पोरेट है, वो यहाँ पर चैरिटी करने, कोई परोपकार करने नहीं आया है, वो व्यापार करने आया, और व्यापार करने में बुराई नहीं है। निश्चित तौर पर फेसबुक ने जो पैसा उसको बनाने में खर्च किया है उसको वसूलने के लिए वो कोई ना कोई तरीका अपनाएगा। अगर आप सही तरीके से पैसा कमाते हैं तो वो गलत भी नहीं है, लेकिन वो पैसा आप किन माध्यमों से और किस तरीके से कमा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को जोड़कर आपने इतनी बड़ी ताकत खड़ी की है उन लोगों का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं? जो 13 करोड़ उपयोगकर्ता हिंदुस्तान में है फेसबुक के, वो दरअसल अमेरिका के 19 करोड़ फेसबुक उपयोगकर्ताओं के बाद दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता है हिंदुस्तान में। और निश्चित तौर पर जिस तेजी से भारत में इंटरनेट का प्रयोग बढ़ रहा है, भारत जल्दी ही फेसबुक के सबसे ज्यादा उपयोगकर्ताओं वाला देश बनने वाला है। उसको देखते हुए फेसबुक इसे बड़ा बाजार मानता है, लेकिन बाजार के साथ साथ अगर वो भावनाओं को ख्याल नहीं रखेगा तो इस बने बनाए बाजार को वो बिगाड़ भी सकता है। भारत चूंकि फेसबुक के लिए एक बड़ा बाजार है, इसके बावजूद भारत विरोधी बयान देकर उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, आखिरकार ऐसे में एक भारतीय होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि कड़े शब्दों में इसका विरोध किया जाना चाहिए। ये बात ठीक है कि मार्क एंड्रीसन ने खुद अपने बयान को वापस लिया है, माफी मांगी है। मार्क जुकरबर्ग ने तो ये कहा है कि वो इस बयान से निराश है, नाराज है, और उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था मार्क एंड्रीसन को, और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये फेसबुक की तरफ से कोई आया हुआ औपचारिक बयान नहीं है। अच्छा है कि उन्होंने तुरंत इसको गंभीरता को भांपते हुए इस तरह के कदम उठाए, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब भारतीयों को मिलकर कम से कम उनको ये जता देना चाहिए कि वो भारत को, हमारी 120 करोड़ की आबादी को, उसके 13 करोड़ फेसबुक के उपयोगकर्ताओं को हल्के में नहीं लें। अगर हम आपके साथ खड़े हैं, आपके माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आप गुलाम भारत की याद दिलाकर फिर से गुलामी की ओर धकेलने वाले इस तरह के बयान दें। भारतीय ये कर सकते हैं कि कड़े शब्दों में इसका विरोध करें।
भारत की अपनी नीति और निर्णय हैं जिन्हें लागू करने के लिए वो स्वतंत्र है। इसके बावजूद सार्वजनिक मंच पर इस तरह के बयान देना क्या बौखलाहट भरा या फिर उपनिवेशवाद को थोपने वाला नजर आता है? देखिए, बौखलाहट तो है ही, झुंझलाहट भी है। फ्री बेसिक फेसबुक की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। हम अपने वेबवार्ता के दर्शकों के लिए ये भी बता दें कि फ्री बेसिक दरअसल है क्या। फ्री बेसिक का मतलब ये है कि आप जब एक मोबाइल की सिम लेते हैं उसमें अगर आप डेटा प्लान नहीं लेते हैं तो आप इंटरनेट नहीं देख सकते, आप केवल SMS कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं, फ़ोन सुन सकते हैं। ये बुनियादी जो फ़ोन की ज़रूरत है वो पूरी होती है। लेकिन जब आप फ़ोन में डेटा प्लान लेते हैं तभी आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। लेकिन जब आप डेटा प्लान लेते हैं एक स्वतंत्र उपभोक्ता के रूप में, तो आप जो मर्जी चाहें, आप गूगल पे जाना चाहें, यूट्यूब पे जाना चाहें, फेसबुक पे जाना चाहें, ट्विटर पे जाना चाहें, कोई पढ़ाई की अन्य साइट देखना चाहें, विकिपीडिया देखें, ये आपकी स्वतंत्रता है। फ्री बेसिक दरअसल एक ऐसा उपक्रम विचारा गया था जिसमें यह माना गया था कि अगर आपके पास डेटा प्लान नहीं भी है तो भी आप इंटरनेट से जुड़े, ऐसी सुविधा फेसबुक जो है रिलायंस के साथ मिलकर, और फ्री बेसिक अफ्रीका में और दुनिया के अन्य देशों में भी उन्होंने लागू की है। फ्री बेसिक दरअसल ये माना गया कि इंटरनेट की स्वतंत्रता का हनन है। हनन किस तरीके से कि आप ये तय कर रहे हैं कि जो नया उपयोगकर्ता इंटरनेट से जुड़ेगा वो क्या देखेगा। भले आप ये कह रहे हैं कि हम उसको फ्री में, लेकिन फ्री में भी आप जोड़ रहे हैं तो आपका इरादा परोपकारी हो ये नहीं माना जा सकता। आप एक व्यवसायी हैं और आप चाह रहे हैं कि वही साइट से एक नया उपयोगकर्ता जो आज तक इंटरनेट पर नहीं आया देखे, जो आप दिखाना चाह रहे हैं। इसीलिए इसको एक वॉल्ड गार्डन यानी एक बंद दीवारों वाला बगीचा कहा गया कि बगीचा खूबसूरत है, उसमें अच्छे फूल हैं, लेकिन दिखाया वही जा रहा है जो आप बगीचे का मालिक दिखाना चाहे। इसलिए बगीचा बहुत खूबसूरत नजर आने के बावजूद भी एक दीवारों के बीच में बंद बगीचा है जिसको कतई बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। इसी तरह की एक और परियोजना एयरटेल ने एयरटेल जीरो के नाम से शुरू की थी, उसका भी बहुत विरोध हुआ था। आखिरकार एयरटेल को एयरटेल जीरो से अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। ठीक इसी तरह ट्राई ने फ्री बेसिक को लेकर, जिसको बाद में internet.org का नाम देने की कोशिश की फेसबुक ने, उसको लेकर भी कड़ा रुख अपनाया, कहा कि ये नेट की स्वतंत्रता का हनन करता है। और इसी को देखते हुए फेसबुक को ये फटकार लगी और उसको अपने कदम फ्री बेसिक से पीछे खींचने पड़े। इस मामले पर उठे बवाल के बाद फेसबुक संस्थापक द्वारा भी जो प्रतिक्रिया दी गई, क्या वो संतोषजनक नजर आती है? देखिए, संतोषजनक तो इस मायने में है कि वो भांप गए कि कितना बड़ा खतरा है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर इतना तगड़ा व्यावसायिक दबाव नहीं होता तो शायद इस तरह का बयान नहीं आता। लेकिन उससे आगे की बात यह है कि तुरंत एक और बड़ा कदम फेसबुक ने उठाया है। ये सारे बयान पर जो बवाल मचा उसके बाद उन्होंने तुरंत ये घोषणा भी कर दी है कि ट्राई के फैसले को देखते हुए वो भारत में फ्री बेसिक को फिलहाल बंद कर रहे हैं। तो फ्री बेसिक अब भारत में बंद हो चुका है। आगे उसकी क्या नियति होगी, क्या परिणाम होंगे, तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अच्छा ये होता कि फेसबुक अगर देखता कि ट्राई के रुख ये है और भारत के लोग भी मोटे तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा उसको लेकर प्रभावी प्रचार नहीं करता और ये जानने की कोशिश करता कि भारत में दरअसल इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो ज्यादा बेहतर होता। उसके ऊपर जो सबसे खराब काम किया है वो मार्क एंड्रीसन के बयान ने किया है। ये बहुत आपत्तिजनक बयान है, बहुत निंदनीय बयान है और भारत की भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। जी शुक्रिया जयदीप जी हमसे बात करने के लिए। वेबवार्ता में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों और अन्य जानकारियों को जानने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com पर।